सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट आयशा मुगल जो कि फर्स्ट ट्रांस प्रोफेसर हैं. तो आयशा आप लोग अगर आइए. देन नजाब अली. आयशा इज़ टॉट एट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जेंडर स्टडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज़ एट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी. शी टॉट कोर्स देयर. नयाब अली जो उनके साथ हैं. शी इज़ अ फर्स्ट ट्रांस पॉलिटिशियन. अगर आपने इनकी कैंपेन अभी इनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो जब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन किया था. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे द वे शी रन हर कैंपेन और जिस तरह के इश्यूज इन्होंने उठाए थे. देन आई वुड लाइक टू आई एम ऑनर्ड टू ऑल्सो इन्वाइट बबली मलिक साहिबा. Bublik is actually leading figure, I think, in terms of projecting trans communities, jo rights hai, and she's also a member committee of Ministry of Human Rights, jo hai unki ye member bhi hai. Then last but not the least, Alisha. Alisha jo hai ye first UN ki official hai, and she also represents trans community hai. So okay. So maybe I should sort of start my first question. Bubli Malik Sahiba se main shuru karti hu kyunki bahut Bubli ji aap jante hain ki bahut zyada baat ho rahi hai Pakistan mein is waqt ki tourism jo hai usko promote kiya jaye. To aap as a trans you know gender person kaise dekhti hain, what could be the possible role you know of trans community in terms of के जो है टूरिज्म को प्रमोट करने में, या अगर ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर प्रमोट होती है तो उसमें ट्रांस कम्युनिटी का क्या रोल बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम बबली मलिक है. मैं वजूद सोसाइटी जो एक ट्रांस लेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूरे प्रोविंस पंजाब से नॉमिनेट किया गया है मुझे फॉर ट्रांस कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड मेनस्ट्रीमिंग के लिए. जब इस प्रोग्राम के लिए हमें इनवाइट किया गया तो खुशी इस बात की थी कि फाइनली कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुई और जहाँ जहाँ मेनस्ट्रीमिंग की बात होती है आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को याद करते हैं. फरजाना बारी साहिबा ने जैसे कहा कि कम्युनिटी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है, अगर आपको लगता है कि इसको टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए मर्द और औरत कोई अच्छा रोल अदा कर सकते हैं तो बिलीव मी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उससे भी अच्छा काम कर सकती है. जब हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने पाकिस्तान टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं. आप फ्रंट डेस्क पर कम्युनिटी को ला सकते हैं, आप टूरिस्ट गाइड के तौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को साथ ले सकते हैं, आप हर उस जगह कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर बेहतर से बेहतर रोज़गार के अलावा कम्युनिटी को एम्पावर करने की जगह बन सकती है. टूरिज़्म इंडस्ट्री मेरा देश मेरी अर्ज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है. जब हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हमारे मुल्कों जैसी खूबसूरती मौजूद है, तो मैं कहती हूँ कि ये खूबसूरती उस खूबसूरती का छोटा सा हिस्सा है जो मेरे अर्ज़े पाकिस्तान में मौजूद है. बहुत शुक्रिया. आप भी बहुत इंटरनेशनली ट्रेवल भी करती हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो कैसे आप पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है जो अक्सर मैं समझती हूँ कि बाहर अनफॉर्चुनेटली लोगों को नज़र नहीं आता, तो आप क्या क्या तजर्बा रहा है कि आप जब बाहर जाते हैं तो हाउ डू यू प्रमोट द पाकिस्तान काइंड ऑफ अ सॉफ्ट इमेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इंटरनेशनली एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आई थिंक ऑलमोस्ट इन फोर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारा जो पाकिस्तान का जो ट्रांसजेंडर कल्चर है जिसको ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं या हिजरा कल्चर कहते हैं, पूरी दुनिया में अब आप सबको पता होगा कि ट्रांसजेंडर जो है वो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश में है जिसको ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं. एंड वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री.
We can also link the Khwajasara culture with the Sufi culture. We have our own traditions, our own customs. So jahan par aaj hum baat kar rahe hain tourism ki, to jis tarah se, for example, jab koi bhi foreign delegates aate hain, hum log unko apne cultural dances dikhate hain, apne provincial dances dikhate hain, ya koi bhi apna culture dikhate hain, you know. To is tarah se jo hamara culture hai, jo Khwajasara culture hai, jiski, you know, we have a rich history, ki even from the developed part of the world, log yahan aake PhDs apni karte hain is culture ke upar. I think we need to promote that. Aur jo aaj ka platform hai, ki hum kis tarah se tourism ko ke through transgender rights ko promote kar sakte hain, to I think iski, I think sabse achhi example yahi hai ki we can promote our own culture, jo hamara you know, it, this is indigenous. Aur jab bhi hum internationally bhi jab travel karte hain, to we have lot of, you know, literature about our land, about our hijra culture that we share with the developed part of the world. Aur khas taur pe jo hamare I think aur recently bhi jis tarah se bhi hamara jo transgender law pass hua hai Pakistan mein, jiske bare mein I think mere hum later on baat bhi karenge, that has also made Pakistan one of the developed progressive countries in the world in terms of transgender rights. And that credit goes to the rich culture and history that we have in Pakistan about transgender and hijra culture. Right, sure, yeah. Okay. Thank you, Aisha. And Nayab, you're a politician. And as a politician, ek to bhi Aisha ne zikr kiya ke laws to bane hain, magar uski implementation nahi hoti hai. To thodi si aap us pe bhi baat rakhiye aur ye bhi bataein ki as a politician, aapko kya lagta hai ki kis tarah se ye jo tourism hai, uske andar jo trans people's rights hain, unko kaise hum promote ya promote kar sakte hain, aage le ja sakte hain. To in a way there are two sort of mere sawal do tarah ke hain, ki ek to us pe bhi baat kar rakhe ki jo law to aapko sabko maloom hai pass hai, us pe implementation kyun nahi ho pati hai, politicians ka wahan kya role banta hai, aur jo dusra hissa hai mere sawal ka. Ji Farzana, sabse pehle to bahut shukriya that it's the first time in the history of Pakistan and in the history of tourism that transgender community is here and discussing about tourism. तो हमें सबसे पहले तो tourism जब हम बात करते हैं तो हमें वो समझने की ज़रूरत है कि tourism के aspects कौन कौन से हैं. सिर्फ tourism का मतलब ये नहीं है कि आपने travel करना है, कहीं पर जाना है, आप ख़ुद कहीं पर travel कर रहे हैं. tourism में from my understanding तीन तरह के जो चीज़ें होती हैं, एक तो आप सफ़र कर रहे हैं फॉर योर प्लेयर या अपने बिजनेस के लिए, दूसरी बात कि इस बिज़नेस से जो ताल्लुक़ है कि आप जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपके टूरिस्ट हैं, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप ऑपरेटिंग दैट टूर्स. तो ये तीन चीज़ें हैं. अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहाँ पे फिट आती है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो, हम अगर उसको एम्पावर की बात करें ना, तो एम्पावर आपकी सबसे पहले तो सोशल एक्सेप्टेंस के थ्रू एम्पावर आपको किया जा सकता है. उसके बाद जॉब्स, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स और रिसोर्सेज जो हैं, जब वो पैदा किए जाएँ तब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एम्पावर की जा सकती है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बरसगीर जिसने आयशा ने बात की, एक बहुत खूबसूरत कल्चर है और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स आपको सब कॉन्टिनेंट के अलावा पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी जितनी डाइवर्सिटी हमारे बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद है. यहाँ पे हर कल्चर की अपनी खूबसूरती है. इसी तरह जो हिजड़ा कल्चर है, डेट इज़ अ कल्चर. ट्रांसजेंडर इज़ एन आइडेंटिटी एंड द कल्चर इज़ हिजड़ा कल्चर. ये बहुत खूबसूरत कल्चर है. तो ये अपनी खुद की शनाख्त रखता है. तो इस कल्चर को हम तीनों, इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मैंने आपको बताए, इन तीनों चीज़ों में आप उसको फॉल कर सकते हैं. सेकंड नंबर पे जब आप आपके टूरिस्ट आते हैं, आप उनको अकोमोडेट करना, इंटरटेन करना, डेट इज़ एन इंडस्ट्री. और इस इंडस्ट्री में आप जॉब्स दे के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कैन बी अ हॉस्टेस, अ वेरी गुड होस्टेस. ट्रांसजेंडर जो है वो एक बहुत अच्छा केयर गिवर हो सकता है. ट्रांसजेंडर कैन बी अ टूर ऑपरेटर एज वेल. आपको वो चीज़ें, आपकी सकाफ़ती ताइफ़ें, जब आपकी हकूमत
जब आपके पास टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इंटरटेन करने के लिए एक सकाफती ताइफे बनाए जा रहे हैं, तो वो सकाफती ताइफे उसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को क्यों नहीं शामिल किया जाता कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी बहुत खूबसूरत रकास मौजूद हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी में, वो रक्स करके एंटरटेन कर सकते हैं, कल्चरल डांस एक जो है वो पेश कर सकते हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, बहुत टैलेंटेड। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि जो इंटरसेक्शन ऑफ लॉ है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लॉज और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही ठीक नहीं है। जब गवर्नमेंट ने सोचा इस इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने लावारिस छोड़ा हुआ है, वेरी सॉरी टू से कि आई एम पॉलिटिशियन, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट GDP। तो टूरिज़्म हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा टूरिज़्म सेक्टर है पाकिस्तान में, जो 2015 में 2.7 GDP में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा था, इन 2016 2.8 हो गया, एंड आफ्टर दैट अभी जो टारगेट है 2025 तक, तो इसको 1 trillion पाकिस्तानी रुपीस तक के इसको इंक्रीज करने का सोचा जा रहा है। लेकिन जब आप वनरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं लेकिन आप उनकी एम्पावरमेंट की बात ही नहीं करते हैं, आपने कहीं पे भी जॉब्स कोटा नहीं रखे हुए, किसी लॉ के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जॉब कोटा मौजूद नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर को इस, हम जॉब्स की बात तो बाद में करेंगे कि हम उसको डिवाइड कैसे करें, किस हम जगह पे हम उसको रखें, कौन से सेक्टर में से हम 2% कोटा दें, कौन सी जॉब स्पेसिस हम लोग क्रिएट करें, तो दिस इज़ नॉट एलैबोरेटेड इन द लॉज। Also get to Alisha, because you represent UN ka aapka hai, to you know you're also familiar ke jo tourism ki industry baki duniya mein hai aur wahan pe kya trans jo log hain unko kis tarah se usme shamil kiya jata hai, inclusion kaise hai, aur Pakistan ke andar ye ek emerging zaire ke industry ya field hai jiski baat ho rahi hai, to how do you see ke trans communities ko kis tarah se integrate kiya ja सकता है कि वो भी कंट्रीब्यूट करें इसकी इस इंडस्ट्री की प्रमोशन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक वाक्या सुनाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने गिलगित का विज़िट किया था, तो वहाँ एक आई थिंक सस्त जगह आती है, वहाँ पे सिटी एक छोटा सा, तो वहाँ पे एक टॉय शॉप थी, तो उन्होंने ना वहाँ म्यूज़िक लगा दिया, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं ना थोड़ा सा वहाँ पर डांस करूँ। तो जिस तरह हम लोग निकले हुए थे ट्रिप पे, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि वो रोड ब्लॉक हो गया, तो लोग फॉरनर्स भी रुक गए, मतलब वो लोग इतना अप्रिशिएट करने लग गए, और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी थे। जब मैंने डांस मैंने ख़त्म किया तो मैंने मुड़ के देखा, तो ओह मैंने कहा ये तो मैंने गलत कर दिया, मतलब रोड ब्लॉक हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैंने अकेली ने एक रोड ब्लॉक कर दिया है डांस करके, अगर हम टूरिज्म में आ जाएंगे तो सोचें कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली बस अब हम क्या कह सकते हैं, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN मेरी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया है कि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं, और मैं कर रही हूं। और डे बाय डे जिस तरह से कोई भी सजेशंस आते हैं किसी भी हवाले से, किसी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ, मैं कम्युनिकेट करती हूँ अपनी कम्युनिटी को, और इंक्लूड करती हूँ तमाम एक्टिविटीज़ में, स्पेशली फॉर टूरिज्म के हवाले से जो है, क्योंकि आपको पता है हम जो होते हैं शौकीन मिजाज लोग होते हैं हम लोग ना, सफ़र करना हमें बहुत पसंद है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, हमें रोक लिया जाता है। लास्ट टाइम मैं मस्कत एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया गया था कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप सफ़र नहीं कर सकती, इधर अलाउ नहीं है। तो मेरी खासी इस चीज़ पे बहस भी हुई, तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली आप लोग जो हैं हमें सीरियस लें इस चीज़ के हवाले से। मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे होंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉज भी पास करें इस चीज़ के हवाले से, ताकि हमें टूरिज़्म के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और दूसरी बात ये, हमें जॉब्स दें इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम एक अट्रैक्टिव थिंग है, एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग मेल फीमेल दोनों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेल जो होता है उसको पता है मैंने मेल्स को ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करना है, फीमेल जो होती है वो फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो काइंडली टूरिज़्म में हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है। Thank you.
Definitely, I think contribution Pakistan mein mukhtalif fields mein hai aur entertainment ki industry mein bhi magar zahir hai usko dekhne ki zarurat hai main chahungi zara babli ji ek thoda sa ek to hum cha rahe hain ki aap log kya role play kar sakte hain lekin khud jab as trans people jab aap khud travel karte hain domestically internationally to aap bataye aapka apna kya tajruba raha hai how people behave aur kis tarah se aapki apni kya kya experience hai जहाँ तक ट्रैवल का ताल्लुक है आयशा तो बहुत से ऐसी जगह पे वास्ता पड़ जाता है इस पढ़े लिखे सुलझे माशरे के उन जहनों से जिनकी जेबों में डिग्रियों की तो बहुत बड़ी तादाद होती है लेकिन ज़ुबान में सिर्फ हमारे लिए तंज जिल्लत भरे अल्फाज और तंजिया लहजा ही होता है नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए बाज़ जगहों पे स्टाफ जो होता है उनसे वास्ता पड़ता है तो पहले तो वो देखते इस तरीके से हैं कि शायद मैं एक मुरीख की मखलूक हूँ या मेरा इस दुनिया से कुर्राए अर्ज़ से कोई ताल्लुक नहीं फिर को 5-7 मिनट गौर करने के बाद उन्हें याद आता है कि नहीं इसकी भी 2 आँखें 2 कान 2 पाँव 2 हाथ हमारे जैसे हैं तो इसको इंसानों की तरह बात करते हैं फिर जब वो बात करते हैं तो उनको ये इतराज़ होता है कि मैं मर्दों वाली लाइन में क्यों नहीं खड़ी हुई तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मर्दों को देख के मुझे शर्म आती है क्योंकि वो देखते ही इस अंदाज़ में मैं घबरा जाती हूँ फिर वो कहते हैं आप फ़ीमेल लाइन में चली जाएं तो मैं कहती हूँ फ़ीमेल लाइन में खड़ी होती हूँ तो फ़ीमेल मुझसे घबरा जाती हैं तो फिर वो कहते हैं जी चलें अब आपको स्कैनर से गुजार देते हैं बारी आ जाती है स्कैनर से गुज़रने की और वहाँ पे जो अटेंडेंट आके खड़ी होती है वो परेशान हो जाती है कि स्कैनर से तो जैसे तैसे ये गुजर ही जाएंगी आगे इनको चेक कौन करेगा तो मेरा अक्सरियत से ये सवाल रहता है कि जब आपको अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उतारा था तो उसने ऐसा कौन सा रुक्का आपके हाथ में थमा दिया कि आप अफजल हो गए और मेरी कम्यूनिटी को उस रुक्के के बगैर उसने ज़मीन पर उतार दिया कई दफ़ा सैर के लिए चले जाएं तो सैर क्या खाक करनी होती है लोग दुपट्टा खींचते हैं बाल खींचते हैं मुस्कुराते हैं हंसते हैं अपनी रूह को तस्कीन के लिए हमें अजियत देते हैं लेकिन वहाँ पे अगर पुलिस से कंप्लेन की जाए तो वो कहते हैं आपका तो रोज़ का काम है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ट्रांस कम्यूनिटी को एम्पावर्ड करना और उनको साथ लेके चलना मैं समझती हूँ इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो लोग अपनी खुशी अपने शौक से कहीं सफ़र करें तो उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि वो एक काबिल इज़्ज़त माशरे का हिस्सा है पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है बहुत से जहनों को बनाती है बहुत सी चीज़ों की पहचान दिखाती है लेकिन नहायत अफसोस के साथ मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा मैंने यहाँ पे बड़े बड़े महज़ब लोगों को ये सवाल करते सुना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दुनिया में है क्यों कभी कभी तो दिल करता है कि ये पूछूं कि अगर आप दुनिया में ना होते तो क्या होता क्या दुनिया रुक जाती नहीं दुनिया ऐसे ही रहती क्योंकि उसके खालिक ने उससे तख्लीक ही इंसान की रगबत और चाहत में किया है जब उसने कोई फ़र्क नहीं किया तो हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक बहुत अजीब सी बात है कभी कभी तो दिल करता है कि ट्रैवल करते हुए बुलंद आवाज़ में गाती चली जाऊँ मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना फिर जब अपने वज़न की तरफ देखती हूँ तो कहती हूँ नहीं उड़ सकती सो दरसो तदरीस का ये अमल तो जारी रहा आपकी ज़िंदगी में भी हमारी ज़िंदगी में भी फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि आपकी दरसो तदरीस मुकम्मल हुई तो हाथ में पत्थर आ गया मेरी दरसो तदरीस मुकम्मल हुई तो आँख में आंसू आ गया आपने मुस्कुराते हुए पत्थर फेंका और मैंने हंसते हुए उसको बर्दाश्त किया तरबियत तख्लीक तखल्लुस तामीर का ये लफ्ज़
اسی طریقے سے مکمل ہوا, اسی طرح میری کمیونٹی کا سفر مکمل ہے. اب وہ سفر آپ والا کر لیں, ٹوریزم سے جوڑ لیں, یا وہ سفر ہمارے والا کر لیں, کبھی فاقہ کشی ہے تو کبھی تن ڈھاکنے کو لباس نہیں ہے. شکریہ. That brings me to Aisha, آپ سے جس طرح بملی ملک نے کہا کہ پاکستان میں بھی بہت وقت لگا کہ ٹرانس کمیونٹی کو ان کی اپنی شناخت ملی اور لا پاس ہوا, اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک بین ہے کہ ٹرانس لوگ جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ اور پھر میں نایاب سے پوچھوں گی کہ ایز اے پولیٹیشین وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کے اوپر ایڈوکیسی کرنی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس ریسٹرکشن کو وڈرا کرے. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ آئی تھنک ایز اے مسلم آپ کو اگر آپ کے جو وہ پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب, اوبویسلی ہر انسان جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے, اور ٹرانس کمیونٹی سے آپ پورا وہ ایک رائٹ ہی چھین رہے ہیں, کیونکہ جو بیسک ریلیجیس رائٹ ہے وہ بھی پرفارم نہیں کر پا رہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ سعودی عربیہ, جیسے ابھی علیشہ نے مینشن کیا کہ اس کو مسقط ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ پرابلم ہوئی امیگریشن کرنے میں, اور بھی ہمارے جو ٹریول کرتی ہیں ٹرانسجینڈر, جب وہ ان عرب کنٹریز سے کبھی جب کنیکٹنگ فلائٹس کے تھرو ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, کبھی ان کو اگر امیگریٹ کرنا پڑتا ہے تو دے فیس ا لاٹ آف پرابلم, بیکاز عرب کنٹریز میں دے ڈو ناٹ ریکگنائز دا ٹرانسجینڈر. اور حالانکہ دس از سم تھنگ آئی تھنک ویری اسٹرینج, بیکاز میں نے پڑھا بھی ہے اور آن ریکارڈ بھی یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کی بھی جو رکھوالی ہے وہ کافی عرصے تک خواجہ سناؤں کے ایک گروپ نے کی, اور ان کو وہ مقام دیا گیا کہ جہاں جہاں پر مردوں اور عورتوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جانے کی, وہاں خواجہ سرا جو ہے وہ جایا کرتے تھے. تو آئی تھنک وی شوڈ ہائی لائٹ دیز لٹریچر جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے, یہ جو ہسٹری ہے, جو رچ ہسٹری ہے آف دا مسلم ورلڈ اینڈ ٹرانسجینڈر, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, اور اسی کو ہی ایز اے ٹول ہم یوز کر کے وی کین کنوینس دی سعودی گورنمنٹ کہ دے شوڈ ایٹ لیسٹ لفٹ دس بین, بیکاز کسی کو اس کے جینڈر کی بیس پہ آپ اپنے ملک میں آنے سے روک رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دی بگیسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن. کہ ہم اس کو ایڈوکیسی کیسے کر سکتے ہیں, آئی تھنک وی شوڈ تھنک براڈر. جب ہم کسی ملک میں مائگریٹ کرتے ہیں, امیگریشن پرپسز ہمارے ہوتے ہیں, ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک سپریم آپ کی آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے. دا ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یو آر ٹرانسجینڈر, ایشو وہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کی جو جینڈر آئیڈینٹی اس کو آپ نے نوٹیفائی کر دی ہے ایکس سے, کہ اگر مرد حضرات جاتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ ہے تو اس کے اوپر ایم لکھا ہوا ہے, خواتین ہیں تو اس پہ ایف لکھا ہوا ہے, اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایکس لکھا ہوا ہے. تو موسٹلی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا, ان کے ڈیٹا بیس میں ایکس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ڈسکریمینیشن دیٹ دوز ٹرانس پرسنز وچ ہیو ایکس آئیڈینٹی کارڈ اور ایکس آئیڈینٹی پاسپورٹ, تو وہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں. تو اس میں وہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ I'm not denying that کہ یہاں پہ یہ اسپیکٹ نہیں ہے on the basis of your gender identity discrimination ہے, لیکن ہمیں جب پاکستانی گورنمنٹ کے لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, پالیسی ریفارم پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک فارن پالیسی جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں with سعودی عربیہ with گلف کنٹری, تو ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی آر دا سٹیزن آف پاکستان, تو آپ ہمارے تمام سٹیزنس کو الاؤ کریں ایز جس اتنا آپ ہم آپ کے سٹیزن کو الاؤ کرتے ہیں. تو ان یہ خارجہ پالیسی لیول پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ڈیٹا بیسز پہ ایکس کو جو ہے وہ شامل کریں. سو دیٹس اے تھنگ. تو یہ پالیسی ایکشن ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان پھر انفارم کرے نا ایسے ممالک جو کہ ایکس کیٹیگری کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اس سے پہلے کہ آپ سے میں فردن پوچھوں کہ یہ جو ٹوریزم ڈائیلاگ ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آئی ووڈ لائک کہ اگر آڈینس میں کوئی آپ لوگ ان سے سوال کرنا چاہیں تو مے بی آئی شوڈ اوپن دا فلور
और उसके बाद देन आई गेट बैक टू यू टू आस्क यू नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस ये जो डायलॉग टूरिज्म के हो रहा है उसके ऊपर जी गो हैड प्लीज आई डोंट नो वेदर यू नीड माइक और इनको माइक चाहिए होगा या माइक चाहिए आई थिंक इट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू हेयर बच्चे माइक अगर उधर नीचे चला दे दीजिए थैंक यू There is anything if you guys want, please feel free. Be back guys. Assalamu alaikum. मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाटो का गिलगित बल्तिस्तान का तो मेरा जो फर्स्ट टाइम ये इंटरेक्शन हुआ है हमारा ट्रांसजेंडर से तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे और वेल स्पीकिंग इंग्लिश पे कमांड ट्रांसजेंडर से मुलाकात हुई है तो हमारी ख्वाहिश है कि अगर आप के और कम्युनिटी में और ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हैं तो पाटो से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इन टच रहें उससे यह कि उनके लिए जॉब क्रिएशन के लिए एज ए गाइड एज ए इंटरप्रेटर एज ए लैंग्वेज गाइड हम उनको गाइड कर सकते हैं प्लस जो उनसे मुख्तलिफ इदारे हैं जिस तरह यूएन के इदारे हैं वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं तो उसमें भी हम इनको गाइडलाइन दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह वजूद सोसाइटी जो है वो आपसे बिल्कुल रबते में रहेगी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेटेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विच आर फ्लुएंट इन इंग्लिश और उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है इट डजेंट मीन के किसी को इंग्लिश हमारे बहुत से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोल सकती है तो इसलिए हमने ज़्यादातर उर्दू में रखा और डेफिनेटली वी विल इन टच वी अप्रिशिएट योर स्पिरिट थैंक यू या बिल्कुल थैंक यू اسد شاہ میرے کولیگ ہی از وی پی جی بی آئی ایم وی پی خیبر پختونخوا پاٹو بیسکلی یہ ایبریویشن ہے پاکستان ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے رات کو ہمیں پتہ لگا تھا کہ وجود فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے اس سے پہلے ہمارے جو دو ایکس پریزیڈنٹس ہیں ان سے میں نے بات کی ہے وی پی پنجاب سے بھی بات کی ہے وی پی اسلام آباد سے بھی بات کی ہے تو ان شاء اللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ پاٹو کی جو میں تو ایکسپیرئنس میں بہت جونیئر ہوں ہمارے اس وقت یہاں پر فرنٹ رو میں بہت ہی سینئر ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں 40 سال 30 سال کا ایکسپیرئنس ہے جنہوں نے ٹوریزم کی بنیاد ادھر ڈالی ہے ان شاء اللہ میں ان کو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاٹو آپ کے ساتھ ہے ہم ود دا کولابریشن آف ایڈ ایجنسیز وی ول کنڈکٹ ورک شاپس ٹو ٹرین دی ٹرانسجینڈر کمیونٹی دے کین گو ایز گائڈس لیکن وہ ڈیسک جابس کر سکتے ہیں تو میں اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ ابھی یہ آپ کا سیشن ختم ہوتا ہے تو فرنٹ رو پہ ہمارے پارٹوں کے سینئر ممبرس بیٹھے ہیں آپ ہم سے ملیں انٹریکٹ کریں اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن ایکسچینج کریں اور انشاءاللہ سر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے شراز پونجا فرام ستارہ ٹریول فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سیلیوٹ یو کہ آپ لوگ کتنے اوپن آئے دس ویری گڈ سی دس از ویری نائس کلچر از پارٹ آف ٹوریزم اینڈ ایوری ویئر اراؤنڈ دا ورلڈ ٹرانسجینڈر پیپل آر انکلوڈیڈ جسٹ ناؤ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس دے ہیو اسٹارٹڈ انکلوڈنگ ان دی آرمی ہمارے جو گروپس آ رہے ہیں ٹور لیڈرس ہیں وہ کافی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں سو یو کین بی پارٹ آف ٹوریزم وائی ناٹ اینڈ وی ویلکم یو وی وانٹ یو ٹو کم ان Thank you. It's the best way to also promote this diversity and a very soft image of Pakistan. Ji, go ahead. First off, on the behalf of audience and I guess panelists as well, I would like to thank Pato team ke, for being such a pragmatic audience. Ki unne foran is cheez par action liya and offering trans community the kind of jobs which are not a cliche or mainstream. I know like dancing, singing is part of entertainment and any one of us would like to do it. But the problem with our society is that we don't see them beyond these entertainment objects. The reason that we have confined them to these certain area of jobs. Now moving forward to that, my question is to a politician, Ms. Nayab. I hope I'm not taking your name wrong, right? So the thing is, one of my friends came from Europe and he was really pleased to find out that we are a very progressive nation because the image of Pakistan is very conservative and all. That we are one of those few countries who recognize trans as an official gender.
The thing is, like, in society, in reality, we have to go a really long way. All four of you are already working on it. Babli sahab ki baat, sahiba ki baat pe build karte huye ke waqi humne inko mareekh ki mehlook hi samajh rakha hua hai. Humari society mein transphobia deep rooted hai. Part of the reason I believe ke still in our curriculum, trans as gender, if I'm not wrong, to abhi tak nahi hai. Abhi tak hum mard aur aurat tak hi confined hai. So it's more of a comment as well ke please isko curriculum ka part banaya jaye taaki humari generations from now on wo trans ko mareekh ki mehlook na samjhe. They are one of us. Thank you. बहुत अच्छा कमेंट, ज़्यादा था क्वेश्चन कम था. तो मैं आपको बताती चलूं कि ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018, जिसमें बहुत से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और हमारे डॉक्टर फरजाना बारी की जो है टेक्निकल इनपुट जो है वो हमारे साथ थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बनाई है, जिसमें बबली जी जो है वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑफिशियली. तो उसमें ये सारी जो क्लॉज हैं ये शामिल की गई हैं कि हम करिकुलम में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पार्ट बनाएंगे. ना सिर्फ ये हमारे स्कूल्स लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के करिकुलम में, बल्कि पीएमडीसी के साथ जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी जो है वो करिकुलम की तरमीमें की जाएंगी उसमें. तो उसके लिए कमेटी भी बन चुकी है और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट हेयर, बट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ मर्द और औरत को भी अब मिलना शुरू हुई है, तो यहाँ तक महदूद है. तो वेरी सून यू विल सी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज यू कैन सी नाउ, आप पॉलिटिशियन, लेक्चरर, एंटरप्रेन्योर, तो आप बहुत जल्द आप अपने दरमियान में देखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज अ टूर ऑपरेटर, एज अ गाइड और एक वेरी हाईली क्वालिफाइड एक आपके साथ स्टेक होल्डर के तौर पर, वो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे लाइक यू. चाहेंगी क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम, बिलाल बिन सिराज फ्रॉम पेशावर. जहाँ पे टूरिज्म के सिलसिले में सारा सब कुछ बातें हो रही हैं, वहाँ पे मैं एक ये चीज़ ऐड करवाना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स भी एक टूरिज्म के प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोगों को अपने कंट्री को, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करना होता है. तो मेरा पैनलिस्ट से ये सवाल होगा कि उस सिलसिले में आप लोगों ने कोई कोई स्टेप्स लिए हैं, कुछ इनलाइटन कीजिए. बिकॉज एज अ साइकिलिस्ट मैं आल पाकिस्तान में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा सा कमी रह गई है. तो उस सिलसिले में अगर आप इनलाइटन करना चाहें प्लीज. जी आप वेल, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन कि स्पोर्ट्स के अंदर भी हम ट्रांस कम्युनिटी को लेकर आ सकते हैं. देखें, इफ़ यू सी कि 5 साल पहले कोई ट्रांस राइट्स की बात ही नहीं होता था और ट्रांस को कहीं भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देखते थे. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर यू नो इंक्लूजन ऑफ ट्रांस जो इन तमाम सेक्टर्स में वो आ सकें. लास्ट ईयर हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास हमने शुरू किया था ये एक आइडिया with ek it was I think one of the UN agencies ke hum ek event organize kare jahan par trans jo hai wo sports sports kare aur wo ek you know ek open event ho jahan par log aaye aur dekhe ki transgender jo hai wo bhi different sports ke andar jo hai wo participate kar sakte hain. लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन डैट. और उसके लिए हमें आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ट्रांसजेंडर्स की इन एवरी इवेंट. जैसे आज जो टूरिज्म का इवेंट है, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट पाकिस्तान टूरिज्म डायलॉग कि उन्होंने ये पैनल रखा और उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को जो है वो शामिल किया इस सेक्टर के अंदर. तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ अनदर सेक्टर, एंड इसी तरह और भी जितने भी सेक्टर्स हैं, हम तो चाहते हैं कि I mean, this is our dream to see a transgender person in every office, in every institution, in every organization. Thank you. I think I can get back to you agar kisi aur ko bhi koi sawal karna hai, lekin main Alisha se zara puchna cha rahi thi kyunki jo mujhe abhi bahut concern karta hai ki trans community mein jo is waqt protection ka, क्योंकि बहुत ट्रांसफोबिया है और हम देखते हैं कि आए दिन सुनने में आता है कि किसी ट्रांस
you know, person, transgender ko maar diya gaya ya. To us hawale se aapko kya lagta hai ki is industry ko bhi matlab jis tarah se hum keh rahe hain ki isme mainstream kiya jaye, to ye jo trans jo gender community hai uski protection ke hawale se aapko kya lagta hai ki is waqt jo surat-e-haal hai ki aap usse mutmain hain, aur agar nahi hai to kis tarah se hum isko ensure kare ki jo trans community hai uski respect bhi ho aur unki jo physical protection hai वो भी उनको मिले, और उसके हवाले से अगर आप कुछ गाइड करना चाहें हमें. जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि जैसे आपने कहा कि मतलब आप लोगों को कत्ल किया जा रहा है या जिस तरह होता है, तो दो सालों में खाली पिशावर सिटी में 46 ट्रांसजेंडर्स को मारा गया, 46, ये हाल है. हालांकि पिशावर में ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, एनजीओस भी काम कर रही हैं साथ साथ, उसके बावजूद भी 46 को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया वहाँ पे. और दूसरी बात ये रहेगी कि जब तक आप हम लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती. सिवाय सिर्फ इस आप टूरिज़म डिपार्टमेंट में ले लेंगे तो आप क्या समझते हैं बाकी मुश्किल हल हो जाएंगी? नहीं. जब तक आप हमारा कोई हिस्सा नहीं उसमें देंगे, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन हमें नहीं देंगे, हमें आगे लेकर नहीं आएंगे, तब तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं. और मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ बबली जी को, बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर, नयाब अली को, ये पॉलिटिक्स में होकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उसके बाद आशी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करी. लेकिन ये सिर्फ हम चार लोगों की जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारी कम्युनिटी के और लोगों को भी आगे, लेकिन वो लोग डरते हैं क्योंकि जब भी हम में से कोई आगे बढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तानी तमाम आवाम से भी और ऑफिशियल लोगों से भी कि पहले तो हमारे लिए हमारा जो एक्ट है उसको नाफिजुल अमल करें, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो बनाएं, हमारी सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए. क्योंकि देखें, हम लोगों के अंदर पोटेंशियल आप लोगों से ज़्यादा है. हम मर्द वाला काम और तो औरत वाला काम दोनों अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सलाहियतें रखी हुई हैं. एक मर्द इतना अच्छा काम नहीं कर सकता, एक औरत इतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना कि हम लोग कर सकते हैं. तो मेरी ये गुजारिश होगी कि काइंडली आप लोग बीइंग ए पाकिस्तानी हर शोबे में हमारी रिस्पेक्ट जो है उसको यकीनी बनाएं. उसके बाद अपने जिस तरह कहते हैं ना मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं या शाना बेशाना साथ मिलकर का, तो काइंडली अब हमें भी साथ लेकर चलें आप लोग. थैंक यू. किसी को कोई और सवाल पूछना है? जी जी जी, गो अहेड. देखिए जी, ये आपके जो इश्यूज हैं अभी टाइम चेंज हो रहा है. काफ़ी पिछले एक डेकेड में जो आपको राइट्स मिले हैं, लेकिन इसमें एक ये भी है जी कि आप लोगों को आपकी जो कम्युनिटी है, आप लोग कम्युनिटी के लीडर्स हैं, आपको अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा. आपको अपनी सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि आप जो अभी आप देखें, आप एनजीओस जो हैं वो हैं, आप अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करें. और जो हमारे पाकिस्तान में एक ख्वाजा सरा के साथ है कि ये शादी ब्याहों में और ये नाच गाना जो है, इससे निकाल कर आप अपने आप को इतनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि आप जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, उनको एजुकेट करें कि आप ख़ुद जब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और आपकी जो कम्युनिटी है उनको आप उनको मुझे आई डोंट नो, मैं पहला इंटरेक्शन हुआ है किसी में कभी पहले किसी ट्रांसजेंडर सेमिनार उसमें गया नहीं हूँ, लेकिन ये आप ख़ुद अपनी कम्युनिटी को आप एक अवेयरनेस देंगे कि देखें आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि नाच गाना करना और वो टिपिकल जो यहाँ पे ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, आपको ख़ुद करना पड़ेगा. हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये टूरिज़्म डायलॉग है, हमने पहले ही आपको हमने बता दिया कि पाटो का जो प्लेटफॉर्म है इससे हम आपको आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे. ये जो अभी ये साहब जो बैठे हैं शिराज पूंजा साहब हैं, ये पाकिस्तान में ही इज़ दी पायोनियर ऑफ टूरिज़्म. इन्होंने स्टार्ट किया सितारा ग्रुप, अगर आपने नाम सुना हो कि एक ज़माने में जो KKH पे हर दूसरी कोस्टर जाती थी उस पर सितारा ट्रैवल, हमारे
हमारे वालजी ट्रेवल्स हैं, बड़े सी ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, आपके साथ करेंगे, लेकिन आपने जो यूएन एम्बेसडर है, आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, आपको ठीक है, आपको मुख्तलिफ एनजीओज या एड एजेंसीज हैं, यूएन है, यूएसएआईडी है, लेकिन आपको अपने लेवल पे पॉलिटिशियन जो हैं हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आप अपनी एक बेस बनाएं, आपकी जो अपनी जो कम्युनिटी है उसको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें, इसमें जो आपके सिंसियर वर्कर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, आप जब तक अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और अपने राइट्स के लिए आप मुख्तलिफ चैनल्स गवर्नमेंट के नहीं जाएंगे तो ये काम नहीं बनेगा। ओके जी, थैंक यू। लेट्स हैव अ रिस्पांस, क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है। आशा, इफ यू कुड रिस्पॉन्ड टू दिस कमेंट। एक तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने सपोर्ट एक्सटेंड किया टुवर्ड्स अस। आपने एक बात कही कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है वो नाच गाना और ये बैगिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। आप यकीन करें, जितनी भी ट्रांस कम्युनिटी है जो ये काम करती भी है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, क्योंकि देखें मैंने अभी मेंशन किया कि अभी कुछ साल हुए हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रांस के ऊपर काम करना या बात करना शुरू किया है, और अभी भी सोशल स्टिग्मा जो है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी पेरेंट्स जो है अब शर्म महसूस करते हैं कि उनकी औलाद या उनका बहन भाई कोई भी जो है वो ट्रांसजेंडर हो। तो जो वो कम्युनिटी मेम्बर्स कि जब से पाकिस्तान बना है जिसको निगलेक्टेड रखा हुआ हो, जो हमेशा से मार्जिनलाइज रही हो, छोटा बच्चा जो ट्रांस होता है उसको घर से निकाल दिया जाता है, जो दर दर की ठोकरें खा कर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार के, ये तो ये जो आपको नज़र आता है नाच गाना या फंक्शंस या बैगिंग, वो मजबूरी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया। पहले आप किसी को हकूक देते हैं तो तब आप उनसे हिसाब लेते हैं। तो आई थिंक इसी पे हम सब काम कर रहे हैं, हम जस्ट तमाम जहां बैठे हुए एक्टिविस्ट, और जब लॉ पे भी बात हुई तो यूनिटी जो है वो कम्युनिटी के अंदर अब है। हमने वजूद के प्लेटफॉर्म से भी हमने पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट एसोसिएशन बनाई है, जैसे पूरे पाकिस्तान से जितने भी लीडर्स हैं वो एक साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि हमने कानून साजी में भी हमने एक एक्टिव रोल प्ले किया और हमने लीगली अपना राइट ले लिया है। लेकिन अब ये सोसाइटी का काम है कि वो हमें सोशल एक्सेप्टेंस दे। मसला जो है सोशल एक्सेप्टेंस का है, कितने लोग हैं जो आपकी तरह कह सकते हैं कि हम ट्रांस को जॉब्स देंगे या हायर करेंगे, अभी भी बहुत स्टिग्मा है। आई वुड लाइक टू शेयर कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में 1.5-2 साल पहले, बहुत सारे जो कॉलीग्स थे और जो काउंटर पास थे प्रोफेसर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब क्या हिजड़े भी आके हमारे बराबर में पढ़ाएंगे। सो वी नीड टू चेंज दिस माइंड सेट, वी नीड टू हैव दी सोशल एक्सेप्टेंस, ताकि और जो लोग हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, यहाँ ऑडियंस में वी हैव विद अस इमान हैं, यहाँ पर जरी हैं, पिया हैं, जो ग्रास रूट लेवल से हैं, जो ये फंक्शंस और बैगिंग और सब छोड़ के दे वांट टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज, हु वांट जॉब्स। सो आई थिंक हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नाउ वी नीड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी टू एक्सेप्ट अस एज इक्वल। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि देखिए ये चॉइस की बात है, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वैसे हम बड़ा वो करते हैं, लेकिन जब ट्रांस कम्युनिटी या ख्वाजा सरा कोई जाते हैं गाना बजाना या डांस, तो उनको हम बहुत वो उस नज़र से देखते हैं। मैं समझती हूँ ये चॉइस की बात है, मतलब एक इशू ये नहीं है कि गाने बजाने के साथ कोई इशू है। आई थिंक वो जो गाते हैं या डांस करते हैं वो इज़ अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, और उसको बजाय डिग्रेड करने के, मतलब वो मसला तो यही है ना कि उनको हमने वल्नरेबल बना दिया है। आप खुद सोचें कि किसी हाई सोसाइटी के अंदर, या जो हमारे बड़े बड़े ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और वॉट एवर यू नो उनके जो एक्ट्रेसेस हैं, जब वो डांस करते हैं, वो कहीं जाते हैं तो लोग कैसे रिस्पेक्टफुली उनके पीछे पीछे जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके ऑटोग्राफ लिए जाए एंड ऑल दैट। और वही काम जब एक ख्वाजा सरा किसी महफिल में जाके डांस करता है तो उसको हम समझते हैं कि ये इसको हम अटैक कर सकते हैं, इसको हम बुरा भला कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस गेम को भी बदलना पड़ेगा कि जिसको हम कहते हैं नाच गाना, उसको जो हम एक बहुत डेरोगेटरी सेंस में देखते हैं, उसको उससे भी हटने की ज़रूरत है। एक चॉइस की बात है, अगर कोई ख्वाजा सरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ मुस्तलिक रहना चाहते हैं और वो जाके कहीं डांस करना चाहते हैं या गाना बजाना चाहते हैं, तो उनका जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी को देना है। अगर हम उनको अपने घरों में बुला सकते हैं डांस के लिए,
क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, तो फिर हम उनको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते? और हम ये क्यों समझते हैं कि फिर उस महफिल के बाद कोई भी शख्स उठ के उनको अटैक कर सकता है या उनके साथ ज़्यादती कर सकता है? मुझे लगता है थोड़ा सा इस माइंडसेट से भी बाहर निकलने की बात है। ठीक है, जो उनके पास च्वाइस होनी चाहिए, जो कोई और काम करना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, ट्रांस कम्युनिटी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ भी मुंसलिक रहना चाहते हैं उनका राइट है, उनको वो मिलना चाहिए। तो इसके साथ आई फील के क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है और हमें कहा गया कि अभी हमने एक ग्रुप फ़ोटो भी लेनी है, लेकिन मीनवाइल अगर आप ये जो ये जो डायलॉग है इसके हवाले से अगर आप कुछ एक एक जुमला अगर कहना चाहें कि आप हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल डायलॉग जिसके अंदर आप लोगों की इंक्लूजन भी हुई है और किस तरह से आप इसको देखते हैं, तो बहुत मुख्तसर अगर आप सब लोग एक एक जुमला कहें क्योंकि दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइजर वांट्स अस टू यू नो। देखें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट को नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के सेमिनार्स, कन्वर्सेशंस, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो थोड़ी बहुत, उसमें हमारा भी इंटरेस्ट हो और हमें भी आगे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले। जी बबली, बबली जी आप क्या कहेंगी? मुझे तो लगता है ये TNT की एक काम है, ट्रांस एंड टूरिज्म। आपने मौका दिया हमें बात करने का और हौसला अफजाई जो की बड़े खुले दिल से, आज असल में असल मर्दों से वास्ता पड़ा है जो ख्वाजा सराओं से इतने खुले अल्फाज में बात करते। नहीं तो उन्हीं से वास्ता पड़ता है जो आंख के इशारे से बात करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत रही आज की आपकी महफिल, आपके साथ बात करने की, कि कम से कम रूह और दिल दिमाग को ये सुकून पहुंचा कि सरज़े ज़मीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूह की बात को समझते हैं और जिनको लगता है कि इज़्ज़त का हक रखते हैं हम लोग भी। आपकी पेशकश सर आँखों पर, और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपसे मुलाकात होती है, अगर आप चाय पिलाएं तो बहुत अच्छा है, हम तो पैसे लेके नहीं आए, उसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे काम को और बैठ के फिर स्टार्ट लेते हैं। हमारे साथ ट्रांस यूथ से बच्चे आए हुए थे, वो भी बैठे हुए हैं, उनका ये इतने बड़े लेवल पे पहला सेशन था जहाँ पे लोगों को उन्होंने सुना, बात की, और आई होप कि इस तरह वो जो बैरियर्स हैं जो हम लोगों ने बना रखे हैं कि एक तरफ सिविल सोसाइटी खड़ी है, एक तरफ ट्रांस कम्युनिटी खड़ी है और एक दीवार है जिसके ऊपर से हम उस वक्त तो झांक के देखते हैं जब आपके घरों में खुशियां होती हैं और आप हमें बुला के अपनी खुशियों में रंग भरते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं देखते जब हमारे लोग बीमार होते हैं, दवाई को, कपड़े को, रिज़्क को तरसते हैं। तो वो बैरियर ख़त्म होगा TNT के साथ, ट्रांस एंड टूरिज़म के साथ, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रब्ता रहेगा। फिर एक दफ़ा कहती हूँ आपके उन अल्फाज का, हौसला अफजाई का और ये बड़े दिल वाली खुली ऑफर का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दो बातें, पहली तो हमें जिस तरह बात की जाती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेबल कर दिया जाता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डांस कर रही है, प्रोस्टिट्यूट कर रही है, प्रोस्टिट्यूशन मर्द भी बहुत से कर रहे हैं, औरतें भी बहुत सी कर रही हैं, जाके मुआशरे में जाएं और देखें कि क्या नहीं हो रहा। तो ये एक स्टिग्मटाइज सिर्फ एक कम्युनिटी को कर दिया जाता है कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सारी की सारी ये ख़राब है, तो हमें वो स्टिग्मटाइज करना, वो जो सोच है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है कि ख्वाजसरा कम्युनिटी को कोई गूगल या यूट्यूब से डाउनलोड नहीं किया गया, इसे भी औरत ने पैदा किया है और आपको भी एक औरत ने पैदा किया है, आपकी भी माँ वही है, हमारी भी माँ वही है। तो जब हम अपनी इस बात को समझ लेंगे तो वो हमारी सोच जो है वो एक तब्दील हो जाएगी और हम एक्सेप्टेंस शुरू कर देंगे और हमारी प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वो भी होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात अबाउट दिस डायलॉग, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के कोई इस तरह का डायलॉग हुआ और उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनवाइट किया गया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपना पर्सपेक्टिव
आपके सामने रखने का मौका दिया गया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से टूरिज्म के सरकर्दा लोगों की तरफ से मिली और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी भी और ऑर्गेनाइजर्स की भी एक मरतबा हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप सब के लिए क्लैप करते हैं और स्पेशली क्लैप हुज़ैफ़ा के लिए जो हम तक पहुँचे ये फर्स्ट टाइम बच्चा तो नहीं कह सकती क्योंकि उज़ैर काफ़ी उज़ैर बच्चा नहीं कह सकती क्योंकि मुझे वो बच्चा लगता नहीं है सॉरी टू से ना काफ़ी बड़ा है वो तो वो हम तक पहुँचे उन्होंने जब ये ऑफ़र की तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था वो माहौल था और उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही और यहाँ आने पर भी जिस तरह उन्होंने ख्याल रखा और जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट की थैंक यू सो मच उज़ैर अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे और वह बच्चे जिसने हमारा पोस्टर डिज़ाइन किया था ज़ैनब उनके लिए भी बहुत सी दुआ अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे बहुत शुक्रिया जी लास्ट कमेंट बबली जी के बोलने के बाद जो है किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं रहती शी स्पीक्स ब्यूटिफुली मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं और ना मुझे इतना अच्छा बोलना आता है सिर्फ एक बात कहूँगी कि आप हमें सिंपथी मत दीजिए हम कोई एक्स्ट्रा राइट या कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मांग रहे और हम पे तरस मत खाइए हमें सिर्फ आप इक्वालिटी इक्वल समझिए बराबर समझिए थैंक यू थोड़ा सा खैरात से हक तक का सफ़र शुरू कीजिए खैरात आप अपनी तसल्ली के लिए देते हैं अब हक की तरफ आइए जिसके हम हकदार हैं तो सफ़र ज़्यादा आसान है